हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग रिवॉल्व्ड बॉस के बारे में देखेंगे। तो रिवॉल्व्ड बॉस क्या है? ये एक तरह का एक्सट्रूड बॉस जैसे ही मटेरियल एडिंग प्रोसेस है, ठीक। तो इसके लिए हमें एक स्केच चाहिए होता है और एक लाइन चाहिए होती है या फिर एक एक्सेस चाहिए होती है जिसके अराउंड हम उस स्केच को रिवॉल्व कर देते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, फिर आपको मैं बता दूंगा बाद में कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो रिवॉल्व्ड बॉस आपको फीचर में यहाँ पे मिलेगा, या फिर आप इंसर्ट में जाइए, बॉस और यहाँ पे रिवॉल्व, ठीक। तो इसके पहले हम लोग एक स्केच बना लेते हैं। तो सिंपली मैं एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बना लेता हूँ, नॉर्मल टू पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, एस्केप प्रेस करता हूँ, लाइन पे जाता हूँ और सेंटर लाइन चूज कर लेता हूँ, ठीक। एस्केप प्रेस किया तो अब हमको रिवॉल्व बॉस कहाँ मिलेगा? फीचर में यहाँ पे, या फिर इंसर्ट में बॉस बेस और एक्सट्रूड के नीचे रिवॉल्व, ठीक। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर में लिखा है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें उस एक्सिस को चूज करना है जिसके अराउंड हमारा स्केच रिवॉल्व होगा। तो ये रही हमारी एक्सिस, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट कॉन्टूर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्केच है। एक ही स्केच है इसलिए इसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए हमारे पास तीन चार स्केच होते तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टूर्स में जाके उसको सिलेक्ट करते, जो कि हम लोग एक्सट्रूड बॉस में देख चुके हैं सिलेक्टेड कॉन्टूर्स क्या होता है। तो अब देखिए, एक तरह का देखिए रिवॉल्व हो गया, ठीक। कंट्रोल मिडल माउस बटन प्रेस करके मैं इसको सेंटर पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे आप एक्सट्रूड बॉस जैसे कुछ फीचर देख रहे होंगे, ब्लाइंड हो गया, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस। तो ये सेम एक्सट्रूड बॉस जैसे ही है, जैसे ब्लाइंड हो गया तो ये एक तरह से नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर रहा है, ठीक। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो देखिए, अगर मैं इसको इस व्यू में देखूँ तो ये एक तरह से हमारा ऐसे एक्सट्रूड किया है, ऐसे रिवॉल्व हुआ है हमारा स्केच। तो ये कौन सा डायरेक्शन हमारा? क्लॉक वाइज। अगर मैं सिंपली इसको एंटी क्लॉक वाइज भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। जैसे हमारा एक्सट्रूड बॉस में रिवर्स का ऑप्शन था, वैसे यहाँ पे भी है रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए, अभी आपको उतना अंतर नहीं पता चल रहा होगा, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ से मैं डिग्री को भी इसके स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैं इसकी डिग्री को और कम करना चाहता हूँ, ठीक। तो देखिए ये कम हो गया, मैं उसके ऊपर क्लिक करके होल्ड किया हूँ, या फिर आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, ठीक। और आपको कैसे चेंज कर सकते हैं डिग्री? इस नॉर्मल पे क्लिक करके इसको ड्रैग करिए, ठीक। तो सपोज करिए मेरे को इतना करना है, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब सपोज करिए कि मेरे को यहाँ, ये हमारा 2D प्रोफाइल है जो मैंने अभी स्केच किया है, इसके इस तरफ 90 डिग्री का रिवॉल्व करना है और इसके इस तरफ 30 डिग्री का। तो मैं डायरेक्शन टू पे भी जाऊंगा, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 90 प्रेस कर देता हूं, 90, और डायरेक्शन टू पे क्लिक करता हूं। सेम वही ऑप्शन है जो ऊपर थे, और यहां पे 30, ठीक, एंटर। तो देखिए, इसके इस प्रोफाइल के इस तरफ 90 हो गया है और इसके इस तरफ 30 डिग्री। जैसे सिमिलर एक्सट्रूड कट में हम लोग थिन फीचर्स देखे थे, वैसे इसमें भी है। आप देख सकते हैं, आपको एक वॉल दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ पे उस वॉल की आप डायमेंशन सेट कर सकते हैं, आपकी यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिलेक्टेड कॉन्टूर्स हमने एक्सट्रूड बॉस में देखा ही हुआ था। तो यहाँ पे आपका रिवॉल्व बॉस फीचर कंप्लीट हो गया। हम लोग आके और एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब इसके क्या हम लोगों के एप्लीकेशन है कि सपोज करिए आपको बेसबॉल बैट बनाना है, तो आप केवल एक स्केच प्रिपेयर कर दीजिए बेसबॉल बैट का, फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है, उसको आप एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर दीजिए। अब इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन को चूज करें एक एक्सेस के रिवॉल्व करने के लिए, आप इस पर क्लिक करके आप चाहें तो इसको भी क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस एक्सेस के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस एक्सेस नहीं, इस एक्सेस को चाहते हैं रिवॉल्व करना, तो ये देखिए, ये इस पर मैं 360 टाइप करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, 360, ठीक। तो आप समझ रहे होंगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन मैं चेंज कर सकता हूँ इस पर भी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से एक लाइन बनाएं, आप चाहें तो उसी स्केच में आप एक्सिस ऑफ रोटेशन दे सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।